नेहा, हमारे फूडी फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे हैं। पहले उन्हें वेलकम करते हैं, तब डिसाइड करते हैं कि आज की रेसिपी क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, नेहा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज संडे है और नेहा आज स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाने वाली है। स्पेशल मसाला ऑमलेट। ओह, मसाला ऑमलेट बहुत जूसी होता है, यमी होता है, हेल्दी होता है और काफी क्विकली बन जाता है। पर इसे हम देसी स्टाइल में बनाएंगे, देसी स्टाइल मसाला ऑमलेट। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मसाला ऑमलेट। देसी स्टाइल मसाला ऑमलेट बनाने की सामग्री: दो एग, एक कप दूध, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक छोटे टमाटर बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, चुटकी भर काली मिर्च, चुटकी भर चिली फ्लेक्स, एक बड़े चम्मच तेल। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेते हैं और इसमें दो अंडे फोड़ के डालते हैं। और फिर इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। ये अच्छे से फेंट गया है, अब हम इसमें नमक डालेंगे, आधा चम्मच नमक। और इसको हल्का सा फेंट लेंगे और फिर इसमें हम एक कप दूध डाल देंगे और इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। फिर इसमें हम एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे और फिर एक छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और चुटकी भर काली मिर्च डालेंगे। फिर अच्छे से इसको हिला लेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें हम डालेंगे और अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। इसके बाद इसको हम ऐसे अच्छे से फैला लेंगे और ये जो अंडे और दूध का मिक्सचर, इसको एक बार और फेंट के और इसमें हम अच्छे से डाल देंगे। अब हम इसे कम करके ढक देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से पक चुका है।
अब मैं इसे सर्व करती हूँ। इसे अब मैं निकालती हूँ। अब ऐसे इस तरीके से प्लेट को ऊपर रखिए और इसको पलट दीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से मेरा इंडियन स्टाइल मसाला ऑमलेट तैयार है। ये कितने अच्छे से निकल गया है, ये कितना सुंदर दिख रहा है और इसकी खुशबू तो लाजवाब है। आप देख सकते हैं कि इससे कितने अच्छे से स्टीम निकल रहा है। ये अच्छे से कुक हो चुका है और अब ये तैयार है खाने के लिए। नेहा, आपका मसाला ऑमलेट का सुगंध खुशबू पूरे घर में फैल गया है और मुझे ये टेस्ट करना है कि ये कैसा बना है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पंजी है, जूसी भी है, इसका फ्लेवर जो है माइंड ब्लोइंग है। मतलब आप एक बार मुंह में लोगे ना तो आप खो जाओगे। अगर आपको ये रेसिपी बनाना है, अगर इसको टेस्ट करना है, तो आपको इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इसे आप अपने घर में प्रिपेयर करिए और अगर आपको ये पसंद आए तो हमारे इस रेसिपी को लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए।